बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति के तत्वाधान में भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में भिलाई नगर रेलवे स्टेशन बस्ती में 100 परिवारों को कंबल बांटे गए। भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया, छाया पार्षद ललन सिंह, नितेश मिश्रा, गिरवर महतो, शुभम मिश्रा स्टेशन बस्ती में पहुंचकर गरीब परिवारों का कुशल क्षेम जाना और प्रत्येक परिवार से मुलाकात कर उनकी समस्याएं पूछकर उनके निराकरण को लेकर आश्वासन दिया गया। ब्रजेश बिचपुरिया ने कहा कि इन परिवारों की समस्याओं के निराकरण को लेकर हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा, जिससे इन्हें मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। गरीब बस्ती है, लोगों को ठंड के समय बहुत दिक्कत हो रही थी और लोगों ने इस टाइप की डिमांड की थी कि भाई ठंड में हमारे बच्चों को हमारे लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। तो उसको विचार करते हुए हमारे जो वहाँ पर पहले जो वहाँ लड़े थे ललन यादव जी, वो एक संस्था भी चलाते हैं बिहार, मतलब अपना सांस्कृतिक संस्था, तो उनके माध्यम से प्रस्ताव आया था। तो कल अपन ने वहाँ पर गरीबों को 100 लोगों को कंबल बांटे, उसमें अधिकांश महिलाएँ थी और सब बुजुर्ग महिलाएँ थी, कुछ बच्चे भी थे जो ठिठुर रहे थे ठंड में, तो उनको ये कंबल बांट करके ये काम किया गया ताकि उन्हें मदद मिल सके और ठंड में वो लोग बस सके ठंड से। और आप लोगों के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण भी किया गया, तो किस तरह की समस्या ज़्यादातर देखने को मिली? देखिए, क्या वो बस्ती 1998 से मैं देख रहा हूँ और 98 में वहाँ जब रेलवे द्वारा उसको उजाड़ने का काम किया जा रहा था, तो वहाँ के इस समय के तात्कालिक जो विधायक थे और मंत्री भी थे, उनके द्वारा वहाँ पर बोल दिया गया था कि आप इनको उजाड़ दो, तोड़ दो और इनको 15 दिन का समय दे दो। उसके बाद वो सारे बस्ती के लोग मेरे पास में आए, मेरे से बोले देखो भैया हमारा पूरा बस्ती उजाड़ दी जा रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे करके। तब मैं रेलवे के अधिकारियों के पास गया, उनको बोला कि ये बस्ती नहीं उजड़ेगी, तो बोले विधायक जी ने बोल दिया है। तो विधायक जी के बोलने से क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ बस्ती नहीं उजड़ेगी, जब तक इनको जगह नहीं मिलेगी कहीं नहीं जाएंगे। और 1998 के बाद से आज तक वो लोग वहीं बसे हुए हैं। उन लोगों को मैंने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 239 लोगों को वहाँ पर पट्टे भी दिलवाए हैं। और उनकी जो मूलभूत समस्या है यही है कि वहाँ पर जो उनको स्थाई पट्टा नहीं होने की वजह से जो सारी समस्याएं हैं, पानी है, नाली है, इन सब चीज़ों से वो वंचित हो जा रहे हैं। समय समय पर कुछ काम होते हैं उनके, लेकिन पूरे काम नहीं हो पाते हैं। लाइट भी उनको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो बड़े हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई इस समय उनको दिक्कत हो रही है। और जो लोग उस समय थे वहाँ एलाटी मतलब वहाँ रहने वाले, अब वो सब बूढ़े हो चले हैं, अब उनके बच्चों के भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है, जिसके लिए उन्हें सारी चीज़ चाहिए है, वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही है। और वही सारी समस्याएं उन्होंने अपनी रखी कि हमको पानी नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, नालियों में गंदगी है, कहीं कोई व्यवस्था निकासी की नहीं है, खटाल बसी हुई है वहाँ पर, 8-10 तो मच्छरों से लोगों का बेहाल है। तो ये सारी समस्याएं उन्होंने रखी अपनी व्यवस्था में।